परम सत्कार्यो छी आप सतगुरु नानक देव सचे पातशाह जी का गुरपुरब मना रहे हैं। सब तो पहली बेनती ये प्रवान करो कोई भी सिंह माई भाई और विशेष रूप में प्रचारक को ये ना क्या करो कि गुरु नानक गया नहीं, सारे की आख्या करिए सतगुरु नानक देव जी दर्शन दिते, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, भाव वध तो वध सत्कार नाल नाम लिया करिए। सच्चे पातशाह का सत्कार कीतिया साडा भड़ा हुंदा, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं। आप जी ने श्रवण किया है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने किस तरह कृपा की, करामातां विखाइयां, लोगों को सीधे राह पाया। कई सज्जनों का विचार है सिख पंथ में अजकल इस गल का बहुत प्रचार हो रहा है कि करामात कोई चीज़ ही नहीं होंगी, किसी भी गुरु साहिबान ने कोई करामात नहीं दिखाई। उन्होंने विचार उन्होंने मुबारक ने, मेरा विचार इस तरह नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहना कि करामात यानी कि परालौकिक शक्तियाँ इन्हां तो बिना दुनिया नहीं झुकती, लोग पिछे नहीं लगते। जो मर्जी कोई आखे, जे मेरी बेनती मनन विच नहीं आती तां मेरी बेनतियां सुन के विचार लियो, जे जी करेगा मान लियो, ना जी करेगा तो मैनू समझा दियो जे मैं मान लूं। अज इस युग विच भी, विज्ञान के युग विच, आपां सारे किसी ना किसी रूप विच अरदास करते। जेडे अरदास करके असीं ये मानते हैं कि सानू कोई लाभ हो जाता है, साड़ी मनसा पूरी होंदी है, ये परालौकिक शक्ति नहीं हैगी। विज्ञान दे ते किसी मीटर से चीज़ नहीं आ सकती। इस तरह वक्रो वक्रे धर्म स्थाना ते बंगला साहब आदि आदि कई स्थाना ते आपां जाके इशनान करते हैं, मथा टेकते हैं, सुखना सुखते हैं, पाठ करते करवाने हैं, वो की है, वो परालौकिक शक्ति नहीं हैगी। अते सिरे दी गल, माता ट्रेसा ईसाई सन, उन्होंने बड़ी सेवा की, लोगों के संसार बड़ा नाम होया। जदों माता ट्रेसा जी शरीर छड़ गए, उदन वैटिकन वाले ईसाइया भरावान जोड़े प्रबंधक सन, उन्होंने लोगों ने जोर पाया कि माता ट्रेसा संत का खिताब दो। उन्होंने कहा जी कि नहीं दे सकते, क्यों नहीं, क्योंकि माता ट्रेसा दी जिन्ना चिर कोई करामात नहीं सामने आती सिद्ध होंगी, उन्हें चर संत का खिताब नहीं दे सकते। सो इस करके मेरा कहने का भाव है कि संसार में जिन्ने पंथ ने सारे मुढ़ किसी ना किसी करामात पर आधारित है, इस तो बिना कोई नहीं पिछे लगता। सो साध संगत जी राय बुलार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पहला सिख होया, वो किवें होया, वो सिख तां होया कि सच्चे पातशाह जी के शीस ते सप ने छां कीती सी। नहीं तो एक कट्टर मुसलमान होवे
अपने नौकर पटवारी के 8-10 साल के मुंडे नूं जा के मत्था टेके किवें हो सकता। आपां नहीं टेक देंदे किसे नूं जा के अज आपां जरा टेकीए हां किसे कलर्क के मुंडे नूं मत्था टेकदे जा के कोई नहीं टेकदा। सो सतगुरु नानक सच्चे पातशाह सर्व कला भरपूर शक्तियां लैके आए उन्होंने बिठाइया तो ही दुनिया चुकी सी एवें नहीं कोई चुकता। सो उस संबंधी जो भाई गुरदास जी ने लिखा है आप जी एक शब्द श्रवण कर लो उस तो बाद फिर अगे चल दे। चरण बाबे दी पवाए जाम जोर ने चरण बाबे दी पवाए जाम जोर ने आई दर्शा तो कभी कोई आवाज है जट दे ब्याही ताबा फिर लग गया आखो धन धन गुरु महाराज है चरण बाबे दी पवाए जाम जोर ने धन धन गुरु महाराज है चरण पापी दी पवाई जाम जोर ने जिस जिस पास जीवन का जी चरण गुरा के तार लाए जिस पास जीवन का जी चरण गुरा के तार लाए उस पास मक्का फिरदा सजदा पापे नू कर लाए काजी रुकन दी आखे बाबा डांका काजी रुकन दी आखे बाबा डांका मैं तां जाई करा पाठ विच याद है जट वे ब्याही काबा फिर लग गया आखो धन धन गुरु महाराज है चल पापी के पवाए जा जोर ने आई हर्षा तो कभी कोई आवाज है जट वे ब्याही काबा फिर लग गया गुरु महाराज है धन धन गुरु महाराज है। भाई गुरदास जी की बाणी नूं गुरबाणी के बराबर ही सिख पंथ में मनिया जाता है। भाई गुरदास जी ने लिखा कि सच्चे पातशाह ने मक्का फेरिया किसी तीर दे बच्चे नूं लै के कई लोगों की यात्रा करवाई इस तरह दियां अनेक चीज़ां लिखियां। सो मेरा कहन दा भाव ये है कि करामातां बिना दुनिया पिछे नहीं लगती जिन्ना चिर दुनिया पिछे नहीं लगेगी उन्ना चिर असीं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह का प्रचार नहीं कर सकांगे लोगों नूं उन्हां दे चरणी नहीं ला सकांगे। इसलिए अज लोड़ इस गल दी है कि इस तरह के साधु महात्मा बनाइए उत्साह दे के पंथ विच जेड़े बंदगी वाले होण जिन्हां दी जबान विच शक्ति हो ते उन्हां दी शक्ति वेख के दुनिया उन्हां दे पिछे लग सके। साध संगत जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह इस संसार विच दर्शन दिते सच्चे पातशाह ने असाम तो लैके तुर्की तक कृपा की इधरों तिब्बत तो लैके श्रीलंका तक कृपा की जिथे भी गए उथे ही सिख सजाए।
सिख सजाए का अज अर्थ आप कुछ होर समझ लग पे हाँ, असल में गल होर सी। मेरा भाव उत्थे हिंदू मुसलमान जेड़े भी सन सारिया ने साढ़े सच्चे पातशाह जी को अकाल पुरख का रूप मान के अपना गुरु या पीर मनिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का सांझा उपदेश सी। सच्चे पातशाह जी ने किसी को यह हुक्म नहीं किया कि तू हिंदू बन जा, तू मुसलमान बन जा, जा नामधारिया बन जा, उदासी बन जा, अकाली बन जा। साढ़े सच्चे पातशाह जी ने किसी को यह हुक्म नहीं किया। उन्होंने हुक्म किया तू जो कुछ हैगा मुसलमान है तो चंगा मुसलमान बन जा, हिंदू है तो चंगा हिंदू बन जा, पंडित सो जो मन प्रबोध। सो असी उस सतगुरु सच्चे पातशाह के सिख हाँ। अज सिख पंथ के कई शाखावां बन गई ने। मैं कोशिश की है, कृपा सच्चे पातशाह ने की है, वो सिख पंथ दियाँ करीब करीब सारिया शाखावां इत्थे अज दर्शन दे रही ने। नामधारी पंथ विचों भी दो तीन वखरिया शाखावां हो गई सी, वो भी वापस इस एक मंच से दर्शन दे रहे हैं। महाराज जम सिंह जी के सेवक उतों के डेरे के जेडे संत कौर सिंह जी ने वह भी दर्शन दे रहे हैं। नीरधारी संगत भी वापस इतने दर्शन देन लग पई है। होर अकाली सिंह सभी गैर नामधारी भरा सारे इतने दर्शन दे रहे हैं। सरना जी अते जी के जी वो भी सारे इतने दर्शन दे गए ने। उदासी भरा भी आए ने, ब्रह्म बूटा गुंगे वाले वो भी दर्शन दे गए ने। अते इसी तरह होर अनेक तरह दियाँ शाखावां सिख पंथ दियाँ जिहड़ियां कि रंग बिरंगी फुलवाड़ी है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, उन्हां चों बहुते सारे इतने दर्शन दे रहे ने। उन्हां दा बहुत स्वागत करते हाँ। अते मैं बेनती करदा कि उन्हां दा घर है, नामधारी पंथ भी सिख हैगे ने, ते सारे कृपा करिया करो साढ़े समागमां विच दर्शन दिया करो। साध संगत जी, असी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह का गुरपुरब मना रहे हैं। तो गुरबाणी में लिखा बाबाणियां कहानियां पूत सपूत कर। गुरपुरब मनाउण का मतलब यह है कि सच्चे पातशाह दे कोई वचन सुनीए, उन्हां दे हुक्मां नूं मनीए, उन्हां दियां साखियां सुन के साडा भी जीवन उच्चा हो। सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की, शुभ उपदेश दिते, जिन्हां विचों एक कृपा की सच बोलन की। सच्चा और है सब को ऊपर सच आचार, कूड़ ना पुजे सच नू सौ कारत करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू हुक्म की दिता है, आओ हो सके ते सारिया ही संगतां अपनी रसना दे नाल बोलिए। सतगुर नानक आया जिने आके नाम जपाया, सतगुर नानक आया जिने आके नाम जपाया, सतगुर नानक आया जिने आके नाम जपाया, सतगुर नानक आए जिने आके नाम जपाए, सतगुर नानक आए जिने आके नाम जपाए। हक बगाना खाना छो, हक बगाना
सत्संगियो सच्चा हो रहा सबको ऊपर सच उचा ते सच पुराना ना की है। हुण इत्थे आके एक होर भुलेखा पै जांदा कि सच की है, ये फैसला करना बड़ा औखा है कि सच की है, क्योंकि सच साडे विचारां दे बदलन नाल बदलदा रहिंदा। सच उही है जिहड़ा साडे मनन अंदर आ जाए। मेरी बेनती बहुत ध्यान नाल सुनियो, सच वो है जिहड़ा साडे मनन अंदर आ जाए, तो जिन्ना चिर मनन विच रहे जदों साडे विचार बदल जाण उदों वो सच नहीं रह जांदा। इस विषय ते जे कोई पढ़ना चाहे मेरा ब्लॉग हैगा truthisuniversal.com truthisuniversal.com, जिहड़ा पढ़ना चाहे उहदे च वेरवा होर पढ़ लिओ। जे मेरी बेनती नहीं मनन चाहुंदी ते इह देख लो, कोई बहुत वधिया पदार्थ होवे जदों भुख लगी होवे आपां खांदे होईए ते जिन्ने भुख लगे तो जदों खाना शुरू करिए बड़ा स्वाद हुंदा, जिवें जिवें ढिड भरदा जांदा वह बेस्वाद हो जाता। तो की वह स्वाद सी कि बेस्वाद सी? तो इसी तरह ये विचारां दे नाल परिवर्तन आउंदे रहिंदे ने। सच दे बारे ये भी सोचण दी लोड़ है कि किहड़ा सच बोलना है, क्योंकि आंदे ने सच कौड़ा है। सच उही कौड़ा हुंदा है जिहड़ा जिहनूं आपां सुना रहे हां उहदे विचारां दे विरुद्ध होवे उह सच कौड़ा हुंदा है। एक नंबर सच दे बारे करतार सिंह बलगण पंजाबी दे महान कवि होए ने, उन्होंने कुछ तुकां लिखियां ने। सच दी भाल उस चंद्रे नूं चिट्ठी लिख के किसकी राही पावां, उस चंद्रे नूं चिट्ठी लिख के किसकी राही पावां, दसो लोको दसो कोई सच दा की सरनामा। चिचकर करके आखे कोई तू है जिस लई सिक दा, उह सच ते अज टके टके तों हट्टी विकदा। मंडियां दे विच वेचण लोकी जीकण मझां गावां, दसो लोको दसो कोई सच दा की सरनामा। कहण वडेरे सच नूं लभदा है मुलखइया रुड़िया, कहण वडेरे सच नूं लभदा है मुलखइया रुड़िया, मूर्ख कविया मूर्ख कविया सच दे बाजों तेरा की कम थुड़िया। तेरे वांगू फिरदा होना वह भी किते निथावां, सच की गल सुनियो ध्यान नाल, तेरे वांगू फिरदा होना वह भी किते निथावां, दसो लोको दसो कोई सच का की सरनामा। अगली कविता विच लिखते ने सच दे बारे लिखते ने कि मैं सच का की करदा, जद महाराजिया की अकल के नक्शे खिंचना, जद महाराजिया की अकल के नक्शे खिंचना, उन्हां विच आखदे ने झूठ का चौड़ा पैंदा है। जद महाराजिया की अकल के नक्शे खिंचना, उन्हां विच आखदे ने झूठ का चौड़ा पैंदा है। झूठ तो झूठ सही, झूठ तो झूठ सही, विकता तो है बोली ते, झूठ तो झूठ सही, विकता तो है बोली ते, इस मंडी च भला सच नूं है किहड़ा लैंदा। अगे शायर सा निरा, अगे शायर सा निरा, हुण मैं वपारी भी हाँ, शेर वो लिखता हाँ संसार नूं जो पांदे ने, जिन्ना भी लिखता हकीकत तो दुराडा हो के। सच बारे सुनियो प्यारियो, जिन्ना भी लिखता हाँ हकीकत तो दुराडा हो के उन्ना ही वध के ये बाजार च मुल पांदे। सो ये अखीरलियां जिहड़ियां सतरां ने मेरी उस गल की पुष्टि करदियां ने कि सच उही है जिहड़ा स्रोतियां नूं पसंद आ जाए। दो तीन होर शेर ने पंजाबी दे, सुरजीत पात्र ने लिखिया, वो भी महान कवि ने पंजाबी दे, इन्ना सच ना बोल के कल्ला रह जावे, इन्ना सच ना बोल के कल्ला रह जावे, चार को बंदे रख लै मोढ़ा देण लई।
चार बंदे रख लै मोढ़ा देन ले। कुछ क्या तो हनेरा जरेगा किमें, कुछ क्या तो हनेरा जरेगा किमें, चुप रहा तो शमादान की कहणगे। गीत की मौत जे अज रात हो गई, मेरे दोस्त मेरा जीना किंज सहण। कवि की महानता के कवि सच कह जाता है, पर मुड़के जो होंदी है वो तो होंदी है। सो इहदे तो अगली गल जिहड़ी दसण लगा वो ये है, बहुत ध्यान नाल ये सतरां याद करन वालियां ने। तुसी हाकम दे आखे ते सदा धुप नूं भी छां लिखिया, तुसी हाकम दे आखे ते सदा धुप नूं भी छां लिखिया, मैं कलमा सच दा पढ़िया ते उसनूं थां बथां लिखिया। तुसी हाकम दे आखे ते सदा धुप नूं भी छां लिखिया, मैं कलमा सच दा पढ़िया ते उसनूं थां बथां लिखिया। तुहाडे ते मेरे कथन विच, तुहाडे ते मेरे कथन विच फर्क केवल है इन्ना, तुहाडे ते मेरे कथन विच केवल फर्क है इन्ना, मैं शिकरे नूं क्या शिकरा, तुसी कोयल नूं कां लिखिया। तुहाडे ते मेरे कथन विच केवल फर्क है इन्ना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं गुरु मनण वाले सारे सुन लो ध्यान नाल, तुहाडे ते मेरे कहण विच केवल फर्क है इन्ना, मैं शिकरे नूं क्या शिकरा, तुसी कोयल नूं कां लिखिया। हुण आओ जरा, जिस गुरु दा अवतार दिन मना रहे हां उन्हें की कीता सी, सुनो जरा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने मलक भागो दे जा के, जिहड़ा कि तगड़ा अमीर सी, उहदे घर प्रशादा छकण जा के उहनूं आखिया तेरी रोटी दे विच खून है ते इहदी रोटी दे विच दुध है। इह सी साडा सतगुरु, जिहदे सिख बणाउंदे आ ना, उह सी साडा सतगुरु। उत्थे परवाह नहीं कीती कि इह अमीर है ते मैनूं कष्ट आउणगे ते मैं गरीब के पक्ष में बोलदा। आप सतगुरु नानक देव के सिख हाँ, आप सच बोलन की लोड़ है, जुलम के विरुद्ध आवाज उठाने की लोड़ है। असं उस सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का गुरपुरब मना रहे हैं, जिन्होंने बाबर वाणी लिखी। तो एको ही गल कह के दस सिरे की गल कर देना, उन्होंने परमात्मा नूं आख्या इति मार पई गुरलाने तै की तरदना आए। असीं उस सतगुरु के सिखां ते असीं निकी निकी गल कहने, नहीं 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 मैं नहीं सच नहीं मैं नहीं बोल सकता, फिर असीं किन्ने कु वधीआ सिख रह जाने आ। ये अपने अंदर झाती मारन की लोड़ है, मैं कुछ नहीं कहिंदा किसे। तो सतगुरु नानक देव के सिखां नूं लोड़ है कि मिण तोल के विचार करके युक्ति संगत सच बोलीए, जुलम के खिलाफ आवाज़ उठाइए, एवें ना चुप करके ते चौम हो के ना बैठ जाइए। पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगलिया हो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो, पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के गुरपुरब से आप सच्चे पातशाह जी का वचन मनना शुरू करिए।
सच्चे पातशाह जी ने हुक्म दिता है सो क्यों मंदा है आखिया जित जमै राजा। तो मेरी सारे गुरसिखा सारे नेक मनुखा बेनती है सच्चे पातशाह का वचन मन के आपां इस्त्रियां नूं मंदा आखना बंद करिए। जिथे बहने उथे ही जनानियां दे वास्ते बड़िया माड़िया गल्लां करदे आ, जनानियां दी गुत पिछे मत हुंदी है, कोई कुछ आंदा है। सो अज तो बाद सारी संगत ये प्रण करो आपां कदी भी इस्त्रियां नूं माड़ा नहीं आखना, खास करके अपनियां घरवालियां दीआं सिफतां करनियां शुरू करो। सच्चे पातशाह दे सच्चे सिख बनीए, सतगुरु नानक देव का वचन मनीए। तो इस तरह माइया बीबिया भी बेनती है भी घर के लड़ाई पा के एवं कुटखान का थान ना बनाया कर। अज तो बाद सारी संगत सतगुरु नानक देव जी को मनण वाले सारे इस गल का प्रण कर, कभी इस्त्रियों नू माड़ा नहीं आखना, इस्त्रियों ते हाथ नहीं चुकना। गर्भ विच जां बाहर इस्त्री जाति का तिरस्कार नहीं करना, इस्त्रियों नू कुड़ियों नू गर्भ विच खत्म नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण कैली घात कंज का अनचारी का तान। ये गुरबाणी का वचन है कि कुड़ी मारनी महापाप है। और मैं दावे ना कह सकता जेड़े असी कुड़ियां मारते हैं किसी ना किसी रूप सतगुरु नानक देव की दरगाह कभी नहीं बख्शे जाएंगे। साध संगत जी, जे सच्चे पातशाह जी का आप अवतार दिन मना रहे हैं, जे माता तृप्ता जी ना होंगे तो सानू सतगुरु नानक देव जी के दर्शन ना होंगे। तो उदू अगे आ जाओ, जे अपने सारे दिन मावं ना होंगे तो आप भी ना होंगे, तो हम कुड़ियां मार के तो आप अगों फिर की करांगे। इसी तरह कुड़ियां मारन पिछे एक कारण है दाज, कि दाज लेना देना तो साड़ी कुड़ी नूं कोई तंग करेगा। साध संगत जी, सच्चे पातशाह जी दे सच्चे सिख बनो, गुरबाणी नूं मनो, निरा मत्था टेकिया नहीं गल बनदी। उत्थे इह हुकम है कि मनुख दाज जे रख विखाले, भाव दाज लेना देना मना किया होया, आप फिर नहीं अड़ते, दाज पिछे कुड़ियां साड़ियां नूं सड़ना पैंदा। सो इस करके आप इस गल तो बच गए, इस्त्री जाति का पूर्ण सत्कार करिए। सच्चे पातशाह ने कृपा की है, आप भी उन्होंने सच्चे सिख बनीए, वचन मन के इस्त्रियों का तिरस्कार ना करिए। और हुक्मनामे विच, हुक्मनामे नहीं रहतनामे विच, भाई देसा सिंह जी के रहतनामे विच लिखिया है, कुड़ी मार है जेते मन ते दूर त्यागे तेते। इतों तक लिखा है कि जेडे कुड़ी मारन वाले ने उन्होंने मेल जोल बंद कर दौ, मन करके भी मेल जोल बंद कर दौ। हूँ जब कुड़ियों गर्भ जी खत्म किया जाता कि पता लगता भी की होया। सो इस पाप तो बचिए, सच्चे पातशाह जी के सच्चे सिख बनिए। सेव की संतोखी, सेव की संतोखी, जिन जो आप गवाया, जन Oh,
ਕੁਦਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿਸ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਰ सिख पंथ में सेवा की बहुत महत्ता है। आपां नूं लोड़ है अज दे दिन असी ये प्रण करिए कि असी सेवा करिया करिए। जिहड़ियां दो तुकां पढ़ियां सेध कीती संतोखी जिन सचो सच ध्याया उन्नी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। सो ये सतगुरु नानक देव सचे पातशाह जी दियां उचारियां हुईयां तुकां ने ते सेवा की है। मेरे वो स्टेज पर बह के गल करनी है, मैं आखा जी यही बड़ी सेवा नहीं। सेवा वो है जिहड़ी बाबा बुढ़ा जी ने की, घाट खोतन की सेवा की, पंजां पातशाहियां नूं तिलक दिता। वो सेवा सेवा की भाई कन्हैया जी ने, अते सेवा की भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़ा ने, जिन्होंने 18 साल एक अपाज बच्चे अपने कंधाड़े चुक के रखे। ये सिखी की असली निशानी। सो सचे पातशाह जी के चरणों में बेनती करिया करिए कि सानू भी इस तरह की मत बख्शन, योजी सेवा साढ़े तो करवाण और आप सारे सेवा करनी शुरू करिए। साध संगत जी, असी आज जड़े इस वेले इतने बैठे हाँ, असं सतगुरु जगजीत सिंह जी के सिख हाँ। सतगुरु जगजीत सिंह जी ने बिरधशाला बना के उत्थे बिरधा की सेवा कर जेड़े सिखा लाया, उन्होंने सिखा की सेवा तो खुश हो के उन्होंने हुक्म किया जिथे तुम जाओगे मरण तो बाद मैनू नाल लै चलो। भाव सतगुरु जी ये कहिंदे ने कि मैं समेत दरगाह सारे सेवादारां दे मगर चलांगे। सेवा दा एडा उच्चा दर्जा है ते सेवा अज दे युग विच की हो सकती है। सेवा अनेक प्रकार की है, आपां की सेवा कर सकते हैं वक्रे वक्रे ढंग की है। सिर्फ दो चीज़ां आप जी दे ध्यान विच लिआउणा, सेवा घरां दे विच बैठियां माइयां बीबियां सिंह जिन्हां नूं वेल है जिहड़े पढ़े लिखे ने, वह ये सेवा कर सकते हैं कि जिहड़े गरीब बच्चे नेड़े तेड़े कोई भी किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले ने, कोई गरीब जिहड़े ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते, उन्हां नूं सद के अपने घर एक दो बच्चों नूं हर रोज़ ट्यूशन पढ़ा दिया। ये विद्यादान है और ये सेवा है, बहुत वड्डी सेवा है। इस तरह आपां गुरद्वारिया मंदिरां धर्म स्थानों में तो झाड़ू फेरन नूं सारे तैयार हो जाने हैं, पर सतगुरु जगजीत सिंह जी की दित्ती सिक्ख्या अनुसार हरेक सांझा स्थान वो भी गुरु का द्वार है। भावें वह बस अड्डा है, भावें अपने महल्ले दीआं गलियां ने, भावें वह रेलवे स्टेशन है, आपां उत्थे भी झाड़ू फेरिया करिए, सरकारी हस्पतालां जाके सफाई करिया करिए। सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल मैं कई थावां ते लाया, विशेष रूप से लुधियाने की संगत हर हफ्ते जाके रेलवे स्टेशन से सफाई करके आउंदी, क्योंकि परमात्मा सिर्फ किसी इक्को ही धर्म स्थान पर नहीं वसदा, वह सर्वव्यापी है। इस करके मेरी बेनती है कि जिन्होंने भी कोई सुखना सुखनी हो कि असीं गुरुद्वारे जाके झाड़ू फेरांगे मंदिर विच फेरांगे, उन्होंने मैं बेनती करांगा किसी सांझे धर्म किसी सांझे स्थान पर बस अड्डा रेलवे स्टेशन किसी भी स्थान पर जाके सेवा करो, सफाई करो, अते नाल अपने गुरु तो जो गुरमंत्र लिया उस गुरमंत्र का जाप करो,
अरदास करो सच्चे पातशाह तुहाडियां कामनावां पूरियां करे। जिन्नी गुरुद्वारे जाके पूरी होएगी उन्नी बस अड्डे ते भी पूरी होएगी, क्योंकि पूरी करने वाले सच्चे पातशाह सतगुरु नानक देव जी। अज साडे विच बाहरले सरूप नू यानी इस भेद नू जो असां पाया होया इसे नू सिखी समझ लिया गया, भावें निर्मले उदासी नामधारी अकाली जिन्हां नू भी लै लईए, कृपान तीन फुटी होवे माला चिट्टी लम्मी होवे ऐस रंग दे बस्तर होण तिलक जन्यू जो भी कोई भी ला लो, इस बाहरले सरूप नू असी धर्म मान लिया अते मुख रूप च सिखा ने इसे नू ही सिखी समझ लिया। जबकि गुरबाणी विच अंदरले सरूप नू बहुत ही महत्ता दिती गई है, बाहरले नू घट, क्योंकि मैं जिन्नियां बेनतियां कर रहा श्री ग्रंथ साहब जी के आधारित गुरबाणी अनुसार बेनती कर रहे हैं, कोई मेरी अपनी गल नहीं। जिन्होंने मेरी गल ना चंगी लगे मैनू समझा दिओ तेरी गल गलत है, मैं हाथ जोड़ के प्रवान करांगा। तो जे गुरबाणी अनुसार मेरी बेनती तुहानू चंगी लगे आप जी मेरी बेनती प्रवान कर लो। नहीं हम योग ना भंगे कपड़े योग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया योग पाई है
सतगुर के। सो साध संगत जी, जे ये गल योगियों से लागू होंगी है तो साढ़े ते चिट्टिया नीलिया भगवान सारिया ते ही ये गल लागू होंगी है। इस करके मैं ये बेनती करांगा कि बेशक भेख की ये बाहरले स्वरूप की महत्ता हैगी है, ये नहीं कि नहीं हैगी, पर मुख्य रूप में गुरु के बचनानुसार अंदरले स्वरूप की ज़्यादा महत्ता है। अज असी इस गल नाल अपने आप नूं बन लिया कि सिखी सिर्फ केस दाड़ी नाल शुभ कर्मां नाल नहीं, असी कहिंदे सिर्फ केस दाड़ी नाल बन लिया। जबकि तुसी सच्चे पातशाह जी के बचन पढ़ो सुनो, उत्थे जे सच्चे पातशाह मके गए ने उत्थे उन्होंने जदों पुछया कि हिंदू चंगे ने कि मुसलमान चंगे ने, सच्चे पातशाह ने यह हुक्म तो नहीं किया कि नामधारिए चंगे कि अकाली चंगे ने कि उदासी चंगे ने, उन्होंने की हुक्म किया, हुक्म किया जिहड़ा चंगे कर्म करता वह चंगा। सो मैं संखेप में यह बेनती करांगा कि आपां नूं इस गल तो उच्चा उठन की लोड़ है कि सिख सिर्फ भेख नाल हो सकता। कोई भी सज्जन जिहड़ा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं श्रद्धा रख के मानदा है, उन्हां दीआं उच्च सिख्यावां नूं मानदा है, वह सिख। आपां नहीं कह सकते कि तू सिख नहीं, क्योंकि सिखी की व्याख्या गुरबाणी विच ये है, मान मोह मेर तेर विवर्जित, ये मार्ग खंडे तार। मान मोह मेर तेर विवर्जित ये मार्ग खंडे तार, इहदे विच जो असी समझ लिया ये नहीं आया किते भी। अते इसे तरह आपां जपजी साहब सारे सिख पढ़ते ने, उहदे विच मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करै हिज दूर, खिंथा काल कुआरी जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगत। इन्हां सारिया तुकां दे विच सच्चे पातशाह जी ने योगियों नूं यह उपदेश दिता है कि मुंदा संतोख, संतोख की मुंदरा पा, निरी मुंदरा का कोई मतलब नहीं, संतोख की मुंदरा पा, शर्म पत झोली जड़ी तेरी मंगन वाली है वह शर्म की होनी चाहिए है, तो सुआह कादी माल ध्यान दी, परमात्मा का ध्यान धरन की माल। सो इस तरह खिंथा काल कुआरी, काल का डर रख, जिस तरह कुआरी कन्या का शरीर पवित्र होंदा इस तरह अपने शरीर में पवित्र रख, युक्ति तो कम लै, प्रतीत श्रद्धा का डंडा अपने हाथ में रख। सो इस तरह के बचन अनेक थांते ने, दसवें पातशाह का भी हैगा रेमन, एक बिद जोग कमाओ सिंघी साह चा कपट कंठला ध्यान बिगू चढ़ाओ। मैं संखेप गल करदा कि हरेक थांते सच्चे पातशाह जी ने अंदरले स्वरूप नूं महत्ता दित्ती। सो आपां भी इस पासे नूं चलीए, भेख दे नाल जो वस्त्र आपां पाउने आ इहदे नाल सिक्खी नूं ना बनीए, क्योंकि अज इह हुंदा जांदा है। ताजी घटना आप जी नूं दसदा कि कोई नामधारी सिंह मलेशिया सिंगापुर अमरीका विच कीर्तन करन गए, गैर नामधारियां दे गुरद्वारे च, उन्होंने आख्या जी तुसी दस्तार गोल की बजाए नुक्कर वाली कर लो तां तुसी कीर्तन कर सकते। मैं आप जी सारियां नूं पुछदा कि साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु नानक देव तो लैके दसवें पातशाह तक अते होर जिन्ने महान पुरख संत महात्मा बाबा दीप सिंह जी और इत्थों तक के संत जरनैल सिंह जी जिन्ने भी महान पुरश होए ने उन्हां दी दस्तार किस तरह की, कि वह सारे सिख है सन कि नहीं सन है, कि नुक्कर वाली पग वाला ही सिख हो सकता, गोल पग वाला सिख नहीं हो सकता। इन्हां गल्लां दे नाल आपां पंथ नूं घटा रहे हैं, आपां नूं इस संकीर्णता तो उपर उठन की लोड़ है। सो
इस बेनती नूं प्रवान करो, इस संकीर्णता विच ना जाओ। ठीक है, जिहड़े वस्त्र जिस तरह के पहन सकते हैं जो मर्यादा वो ठीक है, जिहड़े नहीं भी पहनते वो भी प्रवान ने गुरु घर के विच, ऐसी कोई गल नहीं। गुरबाणी पढ़ सुन के सिखा मंदनी नहीं, तेरा पढ़ना सुनना प्रवान कुछ नहीं। अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम तेरा गए बार नाले श्लोक सुनते हैं, पौन गुरु पाणी पिता माता धरतम। सात संगत जी, धर्म की परिभाषा, पुन पाप की परिभाषा समय के स्थान नाल परिवर्तित होंदी है, बदल जाती है, पर अज सानू गुरबाणी की यह तुक बहुत ज़्यादा समझ के मनन की लोड़ है, जिन्हों सच्चे पातशाह लिखा है पौन गुरु पाणी पिता माता धरतम। अज आप प्रदूषण फैलाउण तों बचण दी लोड़, पोल्यूशन नूं कंट्रोल करन दी लोड़ है। प्रदूषण कौन फैला रहा है? अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड वाले, पाकिस्तान वाले नहीं फैला रहे, आपां फैला रहे हैं। आपां सारिआं नूं इह ध्यान च होना चाहिए कि अज आपां दिल्ली विच रहण वालिआं नूं साह लैणा औखा हो गया, इन्ना धुआं है, हर साह दे नाल जहर अंदर जाती है। वो धुआं किने कीता? आपां ही कीता। किन्ने ही एयर कंडीशन बिना मतलबों चली जाते हैं, किनिया गड्डिया, किनिया फैक्ट्रिया बिना मतलबों धुआं किया, किन्ना प्लास्टिक लिया लिया के आप सुटते हैं, किन्ना कूड़ा आप करते पे हाँ। ये सारा कुछ जो भी आप खराब कर रहे हैं, पौन कर रहे हैं, पानी आप दूषित कर रहे हैं, धरती नूं आपां कर रहे हैं, धरती दे विच किन्ने ही करोड़ां बोर आपां कर दित्ते ने, अते जिन्ना गंदा पानी साडे गुसलखानियां दा जांदा है उहदे विच साबण हुंदा है, साबण च तेजाब हुंदा है, वो सारा ही पानी जे दरियावां जांदा ते दरियावां नूं दूषित कर दिंदा है, ते जे साडी धरती जांदा ते तां उहनूं दूषित कर दिंदा।
सो इन सारिया चीज़ों आपू घटाने की लड़ है। मेरी बेनती प्रवान करो, मैं वेरवे नहीं जाता, इन्नी बेनती करा कि सच्चे पातशाह जी के हुक्म अनुसार कौन गुरु पाणी पिता माता धरत मात इन सारिया चीज़ों की आप सुरक्षा करिए। सतगुर नानक फेरे आवो जगत चल रहा है, सतगुर नानक फेरे आवो जगत चल रहा है, सतगुर नानक फेरे आवो जगत चल आप सारे सतगुरु नानक देव जी को मनण वाले हाँ, किसी भी रूप में मानते हैं। सारे बेनती है कि आप गुरबाणी मान के, जो बाणी में लिखा है वह वचन मान के अपना पंथ वधाइए, भाव किसी का खंडन ना करिए। ध्यान मेरी बेनती श्रवण करो जी, किसी का खंडन ना करिए, मंडन करिए। ये ना आखिए हिंदू सानू खा गए ने, नहीं, असी हिंदुआ सिख नहीं बना सकते। जदा दोष ना दीजा कहो दोष करावा आप। सो इन बेनतियां प्रवान करो, अते सारिया भरावान बेनती है कि सिख पंथ नूं वधाईए। आपां इकट्ठे हो के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का डंका सारे संसार विच वजाइए। ते सब तो पहला काम यह करिए कि अपने नौकरा चाकरा गुआंढियां नूं उन्हां नूं सिख बनाइए। सिख बनाउण दा मतलब दाढ़ी केस अमरे चुकाउणा नहीं, सिख दा मतलब है जिहड़ा सतगुरु नानक देव जी नूं मन्ने। जिहड़ा मन्नेगा वह तो दाढ़ी केस रख लेगा, तो जे आप पहलों आखांगे तो वह नहीं रखेगा, हौली हौली अपने आप हुंदा जाएगा। इस करके आपां भेख रहत जीवन उच्चा करन वाली असली सिक्खी दिलाइए, सच्चे पातशाह जी का नाम संसार के कोने कोने विच पहुँचाइए। इस बेनती नूं सारे भरा प्रवान करो, साल में घट्टो घट्ट एक सिख होर जरूर बनाया करो। गुरपुरब का दिवस सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का नामधारी पंथ वालों एडा वड्डा मनाया गया, अजे ये पहली बारी से सानू भी जाच नहीं आई, अगों इस तो भी होर वड्डा मनावांगे क्योंकि साढ़े भी मुढ़ सतगुरु नानक देव। मैं सारे संगत को मुख रूप से गैर नामधारी भावों को बेनती कराँगा, इनामधारी पंथ वालों साहिब दसवें पातशाह सतगुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब भी मनाया जाएगा। तरीक आप जी को फिर दस देवे, उदों भी सारी संगत दर्शन देने की कृपालता करो। सात संगत जी, ये गुरु जास किया आप, ये जो भी किनका किनका आप अपना सकी अपनाने की लड़ है। अज मजबूर हो के नामधारी पंथ वास्ते कुछ एक बेनती मैं करन लगा, क्योंकि नामधारी पंथ विच कुछ समय तो पाठक पिया होया है, अते जो गल्लां नहीं सी करनियां चाहीदियां वो अज स्टेज ते करनियां पै रही। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी इस संसार तो चले गए, करीब एक साल हो गया। उन्हां तो उपरंत पंथ इकट्ठा करन दी
संगत ने भी ते मैं बहुत कोशिश की है पर पंच कठा नहीं हो सके। हंसपाल जी नामधारी दरबार के प्रधान ने सरकार भी उन्होंने बहुत चल रही है, उन्होंने भी कई बारी बेनतियां कीतियां ने ते चिट्ठियां भी लिख के भेजिया ने कि तुसी पंच दे आगू हो, असी चाहते हैं कि तुसी आगू बने रहो ते तुहाडा सत्कार बनिया रहे, पर तुसी पंच इकट्ठा करो, असी हर योग शर्त मनन नूं तैयार हां। अते ये भी कहा कि जे तुहाडी भैणी साहब वालिया कोल नहीं चलती तो उतों वालिया का साथ छड के तुसी वक्रे हो जाओ, पर वो नहीं मने। इस करके इन सारे हालातों मुख रखदिया पंथ हितैषी संगत जो कि बहुत वड्डा बहुमत है, उस सारी संगत दे आधार से मैं अज ये ऐलान करदा कि अज तो बाद सरदार हरविंदर सिंह जी हंसपाल नामधारी पंथ के प्रतिनिध नहीं होंगे। किते भी सरकारे दरबारे जां पंच विच वो अज तो बाद नामधारी पंथ के प्रतिनिध नहीं है, ये ठीक है उन्होंने प्रधानगी पर कब्जा है वो एक अलहदा गल है, पर अज तो बाद वो एक पदवी से नहीं है। और नामधारी पंच किसी भी पंथ पाड़न वाले नूं अपना प्रतिनिध नहीं मनेगा। असी नामधारिए हाँ, सतगुरु राम सिंह जी ने सानू नाम जपन लाया, गुरबाणी अनुसार जीवन जीवन लाया, नाम जपन करके साडा नाम नामधारिए हो गया। सो असी नामधारी होंदे हुए भी सिख है गए हैं, ये ठीक है कि साड़ी एक छोटी जी गल बाकी सिख भरावां नालों वक्खरी है, 99 गल्लां ते साड़ियां इक्को ही ने। असी श्री ग्रंथ साहब जी नूं वध तों वध सत्कार दिंदे आ, इत्थों तक कि साडे सतगुरु जी भी नमस्कार करदे ने, अते जदों भी भीड़ आउंदी है दीवान सतगुरु जी आप उठ के खलोंदे ने, होर इस तों वड्डी गल की हो सकदी है। ते जिहड़ियां 99 गल्लां कट्ठियां ने उहनां नूं लै के आपां सारे इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे हो के आपां सतगुरु नानक देव जी का प्रचार सारे संसार विच करिए। इस गल वास्ते पंथ की एकता वास्ते, नामधारी पंथ की भी अते सारे सिख पंथ की एकता वास्ते असी नामधारी पंथ यतनशील हाँ। 1934 सतगुरु प्रताप सिंह जी ने, मेरे दादा जी ने, उन्होंने सतगुरु नानक नाम लेवा कॉन्फ्रेंस भैणी साहब की सी, हुण विसाखी ते दिल्ली विच साडे वल्लों नामधारी पंथ वल्लों सतगुरु नानक नाम लेवा कॉन्फ्रेंस की जाए। मेला करने वास्ते उन्होंने फिर बहुत धन्यवाद करदा, तो जिन्होंने साढ़े अपने नामधारी भरावान ने सानू नामधारी धर्मशाला नामधारी गुरुद्वारे विच नहीं वड़न दिता, उत्थे नहीं करन दिता, उन्होंने भी धन्यवाद है। गल है कि देखो जेड़े रहतनामे नू लैके आपां सारे सिख बहुत ही मर्यादा नू मान रहे हैं ना, उत्थे एक ये भी लिखा है कि खालसा सो जो चढ़े तुरंग, तो खालसा सो जो नित करे जंग। जे बगाना ना लगे लड़न तो आपस ही लड़ना, खालसा वो ही है, लड़ते तो साढ़े दूजे वीर भी है ने, पर साढ़े जिन्हें तेज नहीं है, वो बंगला साहब में एक दूसरे को दूसरे धड़े को मरनों नहीं रोकते, तो साढ़े प्रेमी तो अगे होए ना। फिर बड़ी प्रसन्नता की गल है कि
जेडे इत जिन्होंने दर्शन दिते सन जी के जी जेडे हुण प्रधान ने श्रोमणी कमेटी के उन्होंने पहले प्रधान सरना जी को हार पा के स्वागत किया। स्वाद आया ना सिखी की गल है कि ठीक है चोणा की गल वक्री है पर असी आपस में इकट्ठे हाँ तो एक दूसरे का स्वागत करते हैं। उन्होंने कभी नहीं रोकया बंगला साहब जाना उन्होंने पर असी क्योंकि एडवांस हाँ इस करके फिर साढ़ा तो फर्ज ही बनता सी। सो असी उन्होंने कपूर साहब के धनवादी हाँ हो सकता सानू फिर अगला समागम भी इतें ही करना पवे हूँ तो ही उन्होंने बेनती कर लीए। अज बड़े बहुत खुशी की गल है साढ़े को कुछ भगवे वस्त्रां वाले सज्जना ने दर्शन दिते ने हनुमान मंदिर जी तो आए ने उदासी संत आए ने होर महापुरुषों ने दर्शन दिते ने बहुत बहुत सत्कार बहुत धन्यवाद है उन्होंने सारिया का। ये तुहाडा घर है सतगुरु नानक देव जी का घर है साडा किसी का नहीं है सतगुरु नानक देव का घर है सदा ही दर्शन दिया करो। सो इन शब्दों ही मैं क्षमा मंगदा अपना व्याख्यान समाप्त करदा सत श्री अकाल। साढ़े पाठी भाजी साढ़े बीच अज डॉक्टर हरमीत सिंह जी आए ने उन्होंने बेनती करते हैं कीर्ति नगर तो सरदार मनमोहन सिंह जी डॉक्टर हरमीत सिंह जी दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर ने इन्होंने नामधारी संगत नू बहुत सहयोग दे के बहुत उच्चे पद्धर का कैंप इत्थे लाया है इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चौहान जी श्री मल्होत्रा जी वाइस चेयरमैन है जी मैदानता हॉस्पिटल के श्री मंगलदास जी हरिहर उदासी आश्रम तो ने जी हनुमान माटिका वाले भाई लालो जी के गुरुद्वारे तो आए ने जी असं उन्होंने जी आया करते हैं। सरदार जसबीर सिंह जी बीटी पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर ने बेनती करते हैं डॉक्टर नानवा जी को जिहड़े निष्काम सेवा डॉक्टर नानवा जी को बेनती करते हैं निष्काम जिहड़े बहुत चिर तो समाज की सेवा कर रहे हैं जी
वाइस प्रेसिडेंट निकांता डॉक्टर नानवा जी को बेनती है निष्काम सेवा समिति वाले इन्हों का भी नामधारी संगत में बहुत सहयोग है संगत जी आज इस समागम के महाराज जन सिंह जी का जो डेरा है कोट धर्मो उतों संत गुरदयाल सिंह जी मस्ताना जी वालों थापे हुए संत कौर जी आए सन उन्होंने संगत की बेनती प्रवान की दर्शन दिते आके संत सतविंदर सिंह जी टाली वाले वो भी सात संघ च आए दर्शन दिते साढ़े भी सरदार मनजीत सिंह जी एडवोकेट कीर्तनगढ़ तो वो भी आए सन असं उन्होंने जी हाँ आते हैं सुशील कुमार जी गुप्ता वो भी आए सन उन्होंने जी हाँ आए जी कुलदीप सिंह जी चाणा ने जी हाँ आया जी सुभाष सचदेवा जी ने जी हाँ आया जी कहते हैं जहेदार गुरचरण सिंह जी गत्ता मास्टर उन्होंने जी हाँ आते हैं सात संगत जी हम चाकर गोविंद के एक घर सतगुरु नानक देव जी का वे जी आया तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप सारे इस घर मस्तक होने वाले हाँ बहुत सारे होर सज्जन वख वख समाजों तो आए ने कई के नाम सानू बड़ी लिस्ट होने करके रह भी गए होंगे आप सबनों समूह तौर पर जी आखते हैं साडे विच आए पतवंते सजना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ जिन्हों का नाम नहीं भी लिया गया अभी उन्होंने भी जी आया आखते हाँ दूरों नेड़े आए पंडित का भी धन्यवाद करते हाँ तो सात सब जी हूँ अरदास होगी ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह भगवती जी की सहाय पातशाही बारहवीं प्रथम भगवती सिमर क्या गुरु नानक लिहाए रंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद को सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई डिठे सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरी है कर नौमे दावा ताए दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सब थी हुए सहाय सतगुरु बालक सिंह सिमरी है धर्म मार्ग दिया बताए श्री सरगुरु राम सिंह दीन वाली अंतर जामी अकाल पुरख जी जिन्हें जम तो लिया छड़ाए ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰੀਆ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਵੱਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆ ਚਲਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਹੋ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਅੱਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਪਿਤਾ ਹੋ ਦਰੋ ਕਹੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰੀਏ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹਟਾਓ ਬੰਦੀ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਂਬਲੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਗਊ ਗਰੀਬ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਰੀ ਨਵਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕੀ ਪੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖ ਨਸਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀ ਨਵਾਜ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀ ਨਵਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਵਾਦਲਾ ਕੰਨਾ ਤੁਕਲਾਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਣੀ ਸੁਧ ਸਪਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀ ਨਵਾਜ ਆਪ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀ ਨਵਾਜ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਮਾਨੀ ਕੌਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮਦੀਪ ਕੌਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆ ਕੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀ ਨਵਾਜ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੱਕੜ ਬੰਬੇਰੇ
बबे भुचंगी की दात बख्शो, नरिंदर पाल सिंह, गुरमुख सिंह, हरचरण सिंह, परमिंदर सिंह, करनैल सिंह, हरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, भुपिंदर सिंह, सचिवा इन्हां दे कारोबार दी कृपा होवे। लवप्रीत सिंह दी नौकरी लगे अते कर्जा उतर जावे। चरणप्रीत दा पी आर मिले सच्चे पातशाह नूं, प्रीत सिंह नूं सिक्खी दी दात पर सच्चे पातशाह अरदासा अपने दर ते प्रवान करो। मंदे हां चंगे हां तेरे हां सच्चे पातशाह, कृपा करके अपने लड़ो साडे औगुणां दी तारना गिरी नवाज। आप जी हजूर मिष्टान दा प्रसाद जो हाजिर आप जी को भोग लगे, सीत प्रसाद संगत मिले, जोड़ी छके तेरा नाम जपे, अतुट भंडारे वर्तन, ना विसरो ना विसारो, रख लो बख्श लो दे कर दो दीदार, सतगुरु राम सतम चढ़दी कला तेरे भाणे। ਦੋ ਬਲੇ